हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 11th चैप्टर जो कि तमिलनाडु हिस्ट्री। ओवरऑल ये हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो आपके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको वो सारा मटेरियल दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा, और वो भी ऐसा सजा के कि जैसा सजा के आपको दोबारा ऐसा मतलब ऐसा इतना अच्छे तरीके से बिना कोई पॉइंट को छोड़े हुए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना। इसके अलावा अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो रमेश सिंह की, तो उसके लिए भी सीरीज़ है, उसके नोट्स वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगर पढ़ना चाहते हो बिपिन चंद्रा वाली, तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो ये सारी मटेरियल अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप लोग करते नहीं हो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में बात करते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो ये है साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पल्लव जो कि शासन किया था इन्होंने साउथ इंडियन एरिया में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ज्यों ही संगम एज डिक्लाइन होना शुरू हुआ, संगम एज का जो पीरियड था 30वीं शताब्दी बीसी से लेकर 30वीं शताब्दी है ये थे, ठीक है, शताब्दी बीसी से लेकर 300 BC से लेकर 300 AD माना जाता है इनका पीरियड, ठीक है। ये संगम काल माना जाता है। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि कालाभर ने आक्रमण करके संगमों को उजाड़ फेंका था, और लगभग 250 साल में तक साउथ इंडियन किंगडम में, साउथ इंडिया में इन्होंने रूल किया था कालाभर ने। फाइनली कालाभर को पल्लवों ने हरा दिया और टुंडाई मंडलम में अपनी जो है किंगडम को इस्टेब्लिश किया। तो पल्लवों का जो किंगडम था उसे टुंडाई मंडलम एरिया कहा जाता है, और इनकी कैपिटल जो थी वो कांचीपुरम, ठीक है। इनकी कैपिटल कहाँ थी? कांचीपुरम। इनका शासन जो है बहुत सालों तक चला। फाइनली इनको कैप्चर करके एनेक्स कर लिया चोला किंग्स ने इनको कैप्चर करके एनेक्स कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। और ये जो हुआ, चोला किंग ने इनको मिलाया, ये लगभग 10th century AD के आसपास का समय था जब पल्लवों को चोला ने हरा कर उनका साम्राज्य अपने में मिला लिया था। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? टुंडाई मंडलम और इसकी राजधानी कांचीपुरम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ पल्लव की बात करें तो काफ़ी डिफरेंट व्यू आते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा अलग अलग व्यू आते हैं। इनको कहा जाता है, माना जाता है ऐसा कि ये लोग पार्थियन जो थे उनके समय के दौरान इनका ओरिजिन हुआ था। पार्थियन जो थे, जो कि रूल कर रहे थे उस समय वेस्टर्न इंडिया में, इनके आसपास के पीरियड का माना जाता है पल्लवों को। ये साथ में एक और मान्यता है कि जो बकाटक डेक्कन में जो बकाटक डायनेस्टी थी, जो कि बेसिकली ब्राह्मण थे, उनका इनको कहा जाता है कि ये उन्हीं का एक ब्रांच थे। इनका ये भी एक मानना है इतिहासकारों का कि ये डिसेंडेंट थे कहीं ना कहीं चोला प्रिंस के, जो कि कुछ लोगों का मानना है कि नागा प्रिंसेस के और चोला प्रिंस की जो शादी हुई थी उनसे जो ये डिसेंडेंट थे वो पल्लव थे। पल्लव वेर द नेटिव्स ऑफ टुंडाई मंडलम, दिस इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड थाट, ठीक है। तो जो सबसे अच्छी थ्योरी है जिसे मान्यता दी गई है वो ये है कि पल्लव जो थे वो टुंडाई मंडलम के ही निवासी थे और यही के थे वो लोग, ठीक है। तो ये इसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है। तो ओरिजिन ऑफ पल्लव आपने जाना, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन टुंडाई मंडलम वाज कंकर्ड बाय सातवाहनास दे बिकेम देयर फ्यूडिटरीज। तो देखिए टुंडाई मंडलम को सातवाहनों ने जीत लिया था। कब? सातवाहन का आपने सुना होगा कि ये बिहार तक पहुँच गए थे, पाटलिपुत्रा के एरिया इन्होंने शासन किया था। उसी दौरान इन्होंने क्या किया कि अपने एरिया के विस्तार में ये लोग टुंडाई मंडलम को भी जीत गए थे सातवाहन, ठीक है। सातवाहन सबसे पुराना मतलब डायनेस्टी माना जाता है। अगर बात करें पल्लव वगैरह से, चालुक्य पल्लव और यू नो
सातवाहनों में, तो सातवाहन सबसे पुराना माना जाता है, और इनफैक्ट सबसे पुराना तो चोला, चेरा और चोला ये सब माने जाते हैं। कोई बात नहीं, तो सातवाहन जो थे वो टुंडाई मंडलम को इन्होंने कनकर कर लिया था। एंड इस दौरान पल्लव जो थे इनके सामंत बन गए थे, फ्यूडिट्रीज बन गए थे, यानी कि सामंत बन गए थे। कौन? पल्लव। फॉल ऑफ सातवाहना जब हुआ, जब सातवाहनों का फॉल हुआ 3rd century AD में, उसी दौरान में इन्होंने अपना, पल्लवों ने अपना इंक्रिप्शन वगैरह प्राकृत और संस्कृत में इन्होंने जारी करना शुरू कर दिया। एंड दे पेट्रोनाइज ब्राह्मणिज्म, ठीक है, संस्कृत और प्राकृत में अपना जो है ये इंक्रिप्शन जारी करते थे। ये असर हुआ इन पे सातवाहनों का, बिकॉज सातवाहन जो लैंग्वेज फॉलो करते थे वो प्राकृत फॉलो करते थे। तो देखिए ये बात बिल्कुल साबित होती है कि जब सामंत थे ये, तब उनका असर पड़ा था, तब किसका? सातवाहनों का असर डेफिनेटली पल्लवों पे पड़ा था। तभी तो जो अर्लीस्ट जो इनका एरिया था उसके जो इंक्रिप्शन मिलते हैं वो प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज में मिलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शुरू में पल्लव जो थे वो ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज करते थे, और इनफैक्ट बाद तक इन्होंने ब्राह्मणिज्म को ही पैटर्नाइज किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें अगर पल्लवों की, तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया इसको। एक पीरियड है, सबसे पहला पीरियड वो है 250 AD से लेकर 350 AD तक का। इस पीरियड में जो काफ़ी ज़्यादा यू नो फेमस जो किंग हुए, उनमें पहला नाम आता है शिव स्कंद वर्मन का नाम आता है। इसके अलावा विजय स्कंद वर्मन, ये दो जो हैं ये शासक, ये शुरुआती दौर के, बिल्कुल शुरुआती दौर के ये लोग शासक थे। और इन्होंने अपना जो चार्टर था, मतलब जो अध्यादेश और जो चार्टर ये लोग इशू करते थे, वो चार्टर प्राकृत में हुआ करता था, प्राकृत में, ठीक है, वो चार्टर जो था वो प्राकृत लैंग्वेज में हुआ करता था। चलिए और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है 350 AD से लेकर 550 AD के बीच में भी इन्होंने रूल किया। इस समय के जो इम्पोर्टेंट शासक थे वो विष्णुगोपा, जिसको बेसिकली मेंशन किया गया है कि समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति अलाहाबाद वाली, उसमें मेंशन किया गया इसका नाम कि विष्णुगोपा को समुद्रगुप्त ने अपने साउथ वाले एक्सपीडिशन में हराया था। तो 350 AD से लेकर 550 AD तक के बीच में विष्णुगोपा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम आता है पल्लवों से रिलेटेड, जिसको हराया था किसने? समुद्रगुप्त ने। और इस दौरान जो पल्लव थे वो अपना जो चार्टर था वो चार्टर संस्कृत लैंग्वेज में इशू किया करते थे। तो देखो, शुरू में प्राकृत, बाद में इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में इशू करना शुरू कर दिया था अपने चार्टर को। और आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट आता है 575 AD से फाइनल जो इनका कल्मिनेशन हुआ 9th century में, उस समय के जो चार्टर थे वो दोनों भाषा में मिले हैं, संस्कृत और तमिल में। संस्कृत और तमिल में कब से कब तक का पीरियड माना जाता है? 575 AD से लेकर 9th century AD तक जो इंक्रिप्शन इन्होंने इशू किए हैं वो संस्कृत और तमिल में किया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा इसके इस दौरान जो इम्पोर्टेंट फेमस किंग थे वो उसमें सिंह विष्णु, इसको कहा जाता है कि इसने डिस्ट्रॉय किया था कालावर्ष को, इसने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी उनको, बहुत ज़्यादा यू नो उनको डिस्ट्रॉय किया था। एंड ही ऑल्सो डिफीटेड द चोला को भी इसने डिफीट किया था। किसकी बात रही यहाँ पे? सिंह विष्णु की के समय जो टेरिटरी थी पल्लवों की, वो टेरिटरी रिवर कावेरी तक फैल गई थी। महेंद्र वर्मन वन और नरसिंह वर्मन द्वितीय ये सब इस समय के इम्पोर्टेंट शासक थे। महेंद्र वर्मन वन नरसिंह वर्मन द्वितीय इस समय के बहुत ही फेमस शासक हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ेंगे। चोला की बात हमने की कि चोला को हराया था किसने? सिंह विष्णु ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें एक एक करके जो ये इम्पोर्टेंट शासक रहे, खासकर महेंद्र वर्मन वन नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किए, मतलब लड़ाई वगैरह भी कि इन्होंने साथ में, इन्होंने यू नो काफ़ी ज़्यादा स्थापत्य कला में काफ़ी ज़्यादा हाथ दिखाया, जैसे कि मंदिर वगैरह बनाना, ये सब में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। तो इनको थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला नाम देखेंगे हम महेंद्र वर्मन वन का, जिसका पीरियड था 600 से लेकर 630 AD तक। 600 से लेकर 630 AD तक का पीरियड था महेंद्र वर्मन वन का। ये जो इनके दौरान में सॉरी
महेंद्र वर्मन के दौरान में पल्लव और चालुक्य का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था, मतलब बिगेन हुआ था इनके दौरान में। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के बहुत ज़्यादा एंटी थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, लड़ाई एक दूसरे के राज्य को छीनना चाहते थे। तो पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी जो थी, चालुक्य डायनेस्टी की राजधानी बतापी थी, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होना शुरू हो गया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने इसी कारण से मार्च किया था महेंद्र वर्मन के शासन में पल्लवों की तरफ, और कैप्चर कर लिया था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द टेरिटरी, जो नॉर्दर्न पार्ट था पल्लवों का, उसे छीन लिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। देन अ विक्ट्री ऑफ महेंद्र वर्मन वन एट पुललूर का भी मेंशन है। उसके बाद जो फिर से दोबारा चालुक्य से लड़ाई हुई, उसमें महेंद्र वर्मन वन जो थे वो जीत गए थे। कहाँ हुई थी ये लड़ाई? तो पुललूर में, ठीक है, पुललूर में। ही वॉज नॉट एबल टू रिकवर द लॉस्ट टेरिटरी। हालांकि जीत तो जरूर गए थे महेंद्र वर्मन वन, लेकिन वो जितनी भी लॉस्ट टेरिटरी थे उसको रिकवर नहीं कर पाए थे बेचारे, ठीक है। और उसको बाद में नरसिंह वर्मन ने इसको रिकवर किया था। खैर, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। महेंद्र वर्मन जो थे वो जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था इन्होंने, बट बाद में, शुरू में इन्होंने, महेंद्र वर्मन वन ने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाद में इन्हें एक सेंट थे जिनका नाम था थिरुनवुकरासर अलियास अपार। ये जो अलियास अपार थे, इन्होंने बेसिकली महेंद्र वर्मन वन को जैनिज्म से कन्वर्ट करके सैव बना दिया था, सैविज्म इनको में कन्वर्ट करा दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो ये थे थिरुनवुकरासर अलियास अपार, ठीक है। इसके अलावा एक शिव टेम्पल का जो बिल्डिंग था, वो शिव टेम्पल बनाया था किसने? महेंद्र वर्मन वन ने। कहाँ पे? तो तिरुवदी में एक शिव टेम्पल महेंद्र वर्मन ने बनाया था। महेंद्र वर्मन कुछ टाइटल यूज किया करते थे, ये टाइटल थे कुछ इस प्रकार: गुणभारा, सत्य संधा, चेतकारी। तो गुणभारा, सत्य संधा, चेतकारी, बिल्डर ऑफ टेंपल जिसको कहते हैं चेतकारी को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं बिल्डर ऑफ टेंपल। इसके अलावा चित्रकारापुली, मतलब चित्रकला में माहिर, चित्रकलापुरी का। इसके अलावा विचित्र चित्त का भी इनको टाइटल मिला है। इसके अलावा मत विलास का भी इन्हें टाइटल दिया गया है। गुणभरा, इसके अलावा सत्य संधा, चित्रकरी, इसके अलावा चित्रकरापुली, विचित्र चित्ता और मत विलास का इनको टाइटल मिला हुआ था। आगे बढ़ेंगे। मंदाग पत्तू की बात करें, मंदाग पत्तू इंक्रिप्शन की, तो उस इंक्रिप्शन में पार्टिकुलरली महेंद्र वर्मन को कहा गया है, एक टाइटल से इनको नवाजा गया है, जो है विचित्र चिता, ठीक है। इन्होंने ये टाइटल इसलिए इस पर्टिकुलर इंक्रिप्शन में लिखा गया है क्योंकि इन्होंने, महेंद्र वर्मन ने, एक टेंपल बनवाया था ब्रह्मा विष्णु और शिव के लिए, जिसमें ना तो उसमें ब्रिक का यूज किया गया था, ना ही कोई लकड़ी, टिम्बर, ना ही मेटल, ना ही मोर्टार। तो आप सोचो कि अजीब सा कैसा टेंपल होगा जिसमें ना ब्रिक है, ना मोर्टार है, ना इवन लकड़ी है, फिर भी एक टेंपल बना था। इसीलिए शायद इनको विचित्र चिता की उपाधि दी गई थी, का टाइटल दिया गया था। कौन से इंक्रिप्शन में? तो मंदाग पत्तू इंक्रिप्शन से हमें पता चलता है। आगे बढ़ेंगे। रॉक कट टेंपल्स इनके दौरान में काफ़ी ज़्यादा बनाए गए, जैसे कि कुछ जगह बता देता हूँ जहाँ पे रॉक टेंपल्स के साक्ष्य मिले हैं: बलम में, इसके अलावा महेंद्र वड़ी में, इसके अलावा दलावा नूर में, इसके अलावा पलवरम में, इसके अलावा मंदा गपत्तू में, इसके अलावा तिरुचिरापल्ली में। ये जो है रॉक कट टेंपल्स के उदाहरण हमें मिलते हैं देखने को, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो। संस्कृत वर्क मता विलास प्रहसनम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वर्क है, मत विलास प्रहसनम संस्कृत वर्क है ये। इसके अलावा महेंद्र वर्मन के दौरान चित्रकला में काफ़ी ज़्यादा प्रोन्नति देखने को मिली, पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। ये जो थे महेंद्र वर्मन, खुद पेंटिंग करते थे, खुद चित्रकारी करते थे, और साथ में एक एक्सपर्ट भी थे म्यूजिक में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग नरसिंह वर्मन वन के बारे में। नरसिंह वर्मन वन का जो काल था
वो था 630 से 668 AD के बीच में। इसे ममला भी कहते हैं, ममला का मतलब होता है ग्रेट रेसलर, बिकॉज ये काफ़ी मजबूत आदमी था और एक रेसलर था। इसका शौक था कि ये रेसलिंग करना, इसका शौक था, काफ़ी ज़्यादा इसने रेसलिंग किया भी है। इसकी विक्ट्री का मेंशन किया गया है, ही बिकेम विक्टोरियस इन द वार बिटवीन हिम एंड पुलकेशिन द्वितीय, जो कि लड़ाई हुई थी उसमें जीत गया था, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ मणिमंगलम नियर कांची, कांची के पास एक लड़ाई हुई थी जिसे बैटल ऑफ मणिमंगलम कहते हैं। उसमें जो था नरसिंह वर्मन वन, जो कि ममला जिसको कहा जाता था, ममला का मतलब होता है ग्रेट रेसलर, वो जीत गया था। इट वॉज मैंसनड इन कुरम कॉपर प्लेट, कुरम से एक कॉपर प्लेट मिला है, उसमें ये सारी जिक्र की गई हैं। इसके अलावा ही ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द कैपिटल सिटी ऑफ बतापी, और यही करने के कारण, बतापी को डिस्ट्रॉय करने के कारण इसे एक उपाधि दी गई बतापी कोंडा की। तो कई बार आपसे पूछा गया है कि बतापी कोंडा की उपाधि किसे दी गई है, तो वो आंसर है नरसिंह वर्मन वन, ठीक है, नरसिंह वर्मन को ये उपाधि दी गई है। आगे बढ़ेंगे, नेवल एक्सपेडिशन इसने किया, श्रीलंका तक गया ये, और श्रीलंका में ये नेवल एक्सपेडिशन जब किया इसने, तो बेसिकली इसका दोस्त था एक श्रीलंका में, जिसे गद्दी से हटा दिया गया था, तो उसे रीस्टोर करवाया, उस गद्दी पे दोबारा बैठा के आया, ठीक है, जिसका नाम था मनावर्मा को इसने दोबारा इसकी गद्दी पे बिठाया, और यू नो एक एक्सपीडिशन जो कि श्रीलंका तक गया था इसी कारण से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट घटना है नरसिंह वर्मन से रिलेटेड, ह्वेन सांग आता है जब भारत में, तो उस समय जो साउथ में ये पल्लव डायनेस्टी में किंग था वो नरसिंह वर्मन ही था, और ह्वेन सांग जो था नरसिंह वर्मन के सरकार में ही, जब सरकार थी इसकी, जब ये शासन कर रहा था, तो ये कांचीपुरम भी गया था ह्वेन सांग, और कांचीपुरम आपको पता ही है कि ये पल्लव की राजधानी थी, और इस जब ये कांचीपुरम में गया तो इसने कांचीपुरम शहर को काफ़ी ज़्यादा विविध पाया, विविध, ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चमक दमक वाला एक शहर इसने पाया। इट वाज़ अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल सिटी। इसने ह्वेन सांग ने यह भी कहा है कि इसका जो सरकमफेरेंस था, जो इसकी परिधि थी, वो 6 miles की थी कांचीपुरम की, आज के डेट में तो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नरसिंह वर्मन वन जो था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ममलापुरम, ममलापुरम की यू नो फाउंडर कौन था, वो था नरसिंह वर्मन वन, एंड मोनोलिथिक रथाज वगैरह भी इसने काफ़ी ज़्यादा बनवाए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करें अगर नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसको हम लोग राज सिम्हा भी कहते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय को हम लोग राज सिम्हा भी कहते हैं, जिसका पीरियड था 695 AD से लेकर 722 AD तक। महेंद्र वर्मन द्वितीय जो था और जो परमेश्वरम वर्मन वन था, वो इसके बाद के कुछ शासक थे, नरसिंह वर्मन के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वरम वन शासन किया थोड़े समय, लेकिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय का ही आता है, जिसे हम लोग राज सिम्हा भी कहते हैं। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कहने का मतलब ये लड़ाई उड़ाई में विश्वास नहीं करता था, इसका शौक था बस कला में और आर्किटेक्चर में, कला और स्थापत्य कला वगैरह में इसका इंटरेस्ट था। इसने सोर टेम्पल, जो कि ममलापुरम में है, उसको बनवाया था, ममलापुरम में सोर टेम्पल की स्थापना किसने बिल्ट किया था उसे, तो वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। इसके अलावा कैलाशनाथ का जो टेम्पल है कांचीपुरम में, वो भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही बनवाया था। कैलाशनाथ का टेंपल जो है कांचीपुरम में, वो भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही बनवाया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है संस्कृत स्कॉलर डांडिन जो था, ही एडोन हिज कोट, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में संस्कृत का जो स्कॉलर था डांडिन, वो इसके कोट में रहा था। इसने एम्बेसीज भेजी थी चाइना तक, और मैरीटाइम ट्रेड भी किया था कई जगहों से। ये टाइटल्स भी यूज़ करता था, इसने जो टाइटल यूज़ किया उसमें आता है सबसे पहला शंकर भक्त, मतलब कि शिव का भक्त, शंकर भक्त ये टाइटल यूज़ करता था। इसके अलावा ये कुछ और टाइटल यूज़ करता था, जैसे कि अगम प्रिया, इसके अलावा वद्या विद्या धरा भी ये टाइटल यूज़ करता था। ही वॉज सक्सीडेड बाई परमेश्वरम टू एंड
नरसिंह नंदी वर्मन टू, ठीक है। इसके बाद जो है ये वीक शासक हो गए और फाइनली जो ये किंगडम जो है वो डिक्लाइन पे चला गया। आगे बढ़ेंगे। चोला किंग आदित्य वन डिफीटेड द लास्ट पल्लव रूलर अपराजित। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पल्लवों का लास्ट रूलर कौन था, तो वो था अपराजित। अपराजित नाम था लेकिन ये बेचारा पराजित हो गया। इसको पराजित किया था आदित्य वन ने, जो कि चोला किंग था। और फाइनली चोल वंश की स्थापना दोबारा साउथ इंडिया पे हो गई और पल्लवों का सर्वनाश हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पल्लवों की बात करें तो पल्लवों का जो स्टेट था वो डिवाइडेड था इनटू कोटम्स, मतलब कि जैसे भारत है तो उसमें राज्य हैं, वैसे ही उनका जो स्टेट था, ये उनका जो ये यू नो पूरा एरिया था, उसको इन्होंने कोटम्स में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा था। किंग जो था सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पावर था मेन, इसी से सारी यू नो शक्तियाँ फ्लो होती थी। ही वाज़ द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ही वाज़ असिस्टेड बाय एबल मिनिस्टर्स। इसको ऐसा नहीं है कि ये अकेला अपना निर्णय सुना दे और उसी पे काम होता रहे, ऐसा नहीं है। इसको निर्णय लेने के लिए एबल मिनिस्टर्स की मदद लेनी होती थी, उनकी सहायता से ही ये काम करता था। ए वेल ट्रेंड आर्मी भी रखी जाती थी, हमेशा रखी गई इस पर्टिकुलर पल्लव पीरियड के दौरान। लैंड ग्रांट्स का काफ़ी ज़्यादा मेंशन है। टेंपल्स को जो लैंड दिया जाता था उसे देवधन कहते थे। टेंपल्स को जो लैंड दान में दिया जाता था उसे देवधन कहते थे। ये बहुत बार पूछा गया है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है देवधन क्या था। तो देवधन वैसा लैंड था जिसे दान में दिया जाता था मंदिरों को। इसके अलावा ब्राह्मण्स जो थे उनको भी दान दिया जाता था लैंड, उसको कहा जाता था ब्रह्मदेया। तो देवधना और ब्रह्मदेया क्या थे, ये लैंड थे। पहला जो लैंड था वो टेंपल्स को दिया जाता था, दूसरा जो लैंड था वो ब्राह्मण्स को दिया जाता था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इरिगेशन टैंक का। इरिगेशन टैंक काफ़ी ज़्यादा पल्लवों ने बनवाया था, बिकॉज इनकी जो जीविका थी वो एग्रीकल्चर ही थी, एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे ये लोग। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चरल इरिगेशन टैंक बनाए ताकि मतलब उसमें पानी पहुंचाया जा सके खेतों तक। महेंद्रवाड़ी का जो इरिगेशन टैंक है काफ़ी फेमस है। इसके अलावा ममनदूर का भी जो इरिगेशन टैंक है, ये दोनों टैंक बनवाया था महेंद्र वर्मन वन ने ये बनवाया था। लैंड टैक्स प्राइमरी सोर्स था इनके इनकम का, लेकिन कितना भाग लिया जाता था ये पता नहीं था, ये पता अभी तक नहीं चला है, ठीक है। कि जैसे गुप्तों के दौरान 1/6 भाग लेते थे, इसमें पता नहीं चला है कितना भाग लिया जाता था। रेवेन्यू जो था मेन जो था वो रेवेन्यू लैंड से लिया जाता था, लेकिन जो भी ब्रह्मदेया और देवधना वाले लैंड थे उनको एग्जेम्प्ट किया गया था टैक्स से, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है पल्लव इंक्रिप्शन जो है वो कहता है, बताता है हमें विलेज असेंबली के बारे में, कि विलेज असेंबली उस समय भी हुआ करती थी जिसे सभा कहते हैं, और इन सभाओं के साथ कुछ कमिटियां भी थी जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग में योगदान दे रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सोसाइटी अंडर पल्लव डिस्कस कर लेते हैं कि पल्लवों के समय जो है सोसाइटी कैसी थी। तो कास्ट सिस्टम अगेन बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था इनके दौरान में। कास्ट बहुत ज़्यादा रिजिड होने का मतलब ये है कि मतलब जो चार वर्ण है उसमें जो अपर वाले हैं ब्राह्मण वगैरह, वो अपनी सुजेनिटी मनवाने की, मतलब मैं तो महान हूँ बाकी सब तो मेरे नीचे हैं छूद रहे हैं, ये वाली बात काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गई थी। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई थी। कास्ट सिस्टम रिजिड होने की वजह से का कारण माना जाता है राइज ऑफ सेविज्म एंड वेस्टर्निज्म। एंड जो ये राइज हुआ सेविज्म एंड वैश्विनिज्म, इसका एक परिणाम ये निकला कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इस एरिया में डिक्लाइन हो गए, ठीक है। तो राइज ऑफ सेविज्म एंड वैश्विनिज्म हुआ, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म डिक्लाइन हो गए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जो सैव थे उनको नया नर्स कहते थे, और जो वैष्णव थे उनको अलवर्स कहा जाता था। तो जो शैव थे, जो शिव के भक्त हुआ करते थे, उनको नया नर कहते थे, और जो वैष्णु वैष्णवी थे
वो उनको अलवर कहा जाता था। तो ये कई बार सवाल पूछा गया है कि हु वेर द अलवर्स, ऑप्शन दे देगा ही देवर सैव, देवर बुद्ध, बौद्धिस्ट, देवर देवर वैष्णव, वैष्णव। तो आंसर आपको लगाना है वैष्णव, ठीक है। इसके अलावा भक्ति मूवमेंट इस दौरान काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, बिकॉज सैव और जो अलवर थे, सैव नयानर और वैष्णव अलवर जो थे, वो भक्ति मूवमेंट में लीन हो गए थे। शिव की पूजा करना, विष्णु की पूजा करना, उनके लिए हिम गाना, ये सब में काफ़ी ज़्यादा वो घुल गए थे। भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया था इसी दौरान में। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स भी किए गए काफ़ी ज़्यादा पल्लवों के द्वारा। इट पेव्ड द वे फॉर द स्प्रेड ऑफ दीज टू रिलीजन। तो जो भी ये यू नो ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ टेम्पल्स वगैरह का पल्लव किंग के द्वारा, इसने कहीं ना कहीं इन दोनों पर्टिकुलर रिलीजन का, जो कि सैव और वैष्णव था, इसके उत्थान में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, स्प्रेड कराया इसको। नेक्स्ट देखेंगे एजुकेशन एंड लिटरेचर की बात करें तो कैपिटल कांची जो था पल्लवों का, इट वॉज एन एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग। एंड इसमें भी एक जगह है घटिका, घटिका जो है कांची में, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते थे और पढ़ते थे यहाँ पे, यहाँ पे वो रहते भी थे और पढ़ाई भी करते थे, घटिका, ठीक है। घटिका जो था ये कांची में एक जगह था जहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा फेमस था। आगे बढ़ेंगे। फाउंडर जो था कदम्ब डायनेस्टी का वो था मयूर शर्मन। अब मैं इसका नाम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज ये जो था ये आके कांची में वेदों की पढ़ाई कर रहा था उस समय। कदम्ब डायनेस्टी का जो फाउंडर था, काफ़ी बड़ा व्यक्ति हो जाता है, बिकॉज इसने एक डायनेस्टी फाउंड की थी, इसका नाम था मयूर शर्मन। ये कांची आया और वेदों की पढ़ाई किया इसने। इसके अलावा दीन गंगा जो कि एक बौद्धिस्ट था, धर्मपाल अगेन एक बौद्धिस्ट था, भरावी एक ग्रेट संस्कृत का स्कॉलर था, इन सब का संबंध रहा है इस पर्टिकुलर जगह से जिसका नाम है कांची। यहाँ पे लोग पढ़ाई किया है इन्होंने। धर्मपाल तो कांची का निवासी ही था और धर्मपाल ही जो था जो हेड बना था, हेड ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी धर्मपाल बना था, जो कि कांची का था, ठीक है। इसके अलावा सिंह विष्णु जो था, सिंह विष्णु के पीरियड में ही भैरवी जो था वो एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर था, ये इस पर्टिकुलर जगह पे कांची में रुका था। डांडिन वाज अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट संस्कृत राइटर। ये जो था ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में बेसिकली ये इस एरिया में रहा था। महेंद्र वर्मन वन जो था वो उसने कंपा था संस्कृत प्ले जिसका नाम है मत विलास प्रहसन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मत विलास प्रहसन किसने कंपोज किया था, तो आप आंसर लगाना महेंद्र वर्मन वन। तमिल लिटरेचर नयानर और अलवर की देन है। तमिल लिटरेचर को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किसने किया, नयानर और अलवर ने। इन्होंने तमिल लिटरेचर को और आगे बढ़ाया, बिकॉज इन्होंने जो हिम्स बनाए, जो गाना गाते थे, वो सब तमिल लैंग्वेज में ही होता था। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं देवराम की। देवराम ने कंपोज किया था नया नर्स एंड नलायरा दिव्य प्रबंधन की भी रचना जो थी वो अलवरों ने की थी। तो ये एक जस्ट फैक्ट है, आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा पेरू देवनार वाज पैटर्नाइज बाई नंदी वर्मन टू एंड ही ट्रांसलेटेड द महाभारत एज भरत बेनबा, ठीक है, इन तमिल। तो महाभारत को किसने ट्रांसलेट किया था, तो उसका नाम था पेरुन देवनार ने महाभारत को ट्रांसलेट किया था तमिल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पल्लव और आर्ट और आर्किटेक्चर की अब हम बात कर लेते हैं। ये ऐसा एक पीरियड था जिसमें टेंपल बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ, टेंपल बिल्डिंग पल्लवों के दौरान काफ़ी ज़्यादा हुआ। दे इंट्रोड्यूस्ड द आर्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग टेंपल्स फ्रॉम द रॉक। तो ये जो रॉक को काट के, पत्थर को काट के जो मंदिर बनाने की कला है, वो उसकी शुरुआत पल्लवों ने ही की थी। किसने की थी, पल्लवों ने ही की थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द्रविडियन स्टाइल का भी शुरुआत जो है इन्होंने ही किया था। द्रविडियन स्टाइल बिगैन विद द पल्लव रूल।
केव टेम्पल टू मोनोलिथिक रथ बनाने की प्रक्रिया, पहले केव टेम्पल बनाते थे, उसके अलावा उसके बाद धीरे धीरे करते करते ये लोग मोनोलिथिक रथ भी बनाने लग गए, तो ये भी देन है इनकी, किसकी, पल्लवों की। आगे बढ़ेंगे। महेंद्र वर्मन वन जो था इसने इंट्रोड्यूस किया था रॉक कट टेम्पल्स, पहला जो टेम्पल है इसमें कुछ जो महेंद्र वर्मन के दौरान बनाए गए थे वो थे मंदगपत्तू, इसके अलावा महेंद्रवड़ी, इसके अलावा ममंदूर, इसके अलावा दालावनूर, इसके अलावा तिरुचिरापल्ली में भी एक रॉक कट टेम्पल बना हुआ है, वलम में बना हुआ है, सिया मनगलम में बना है, तिरुकलुकुन्द्रम में भी बना हुआ है। ये सब नाम आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड स्टेज में जो था, ये पहला स्टेज था जो महेंद्र वर्मन का था, वो पहला स्टेज था। सेकेंड स्टेज में मोनोलिथिक रथ और मंडप्स बनाए गए ममलापुरम में, ये बनवाया था नरसिंह वर्मन वन ने। पांच रथ हैं इस पार्टिकुलर जो ममलापुरम में, जो ये सब जो सेटअप है ना, उस पांच रथ हैं, दे आर पॉपुलरली कॉल्ड पंच पंडवा रथ, पाँच पंडवा रथ इनको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेज, जो नेक्स्ट स्टेज आया उसमें राजसिम्हा, जो जिसे हम नरसिंह द्वितीय भी कहते हैं, याद करो मैंने अभी जस्ट बताया था, राजसिम्हा को नरसिंह द्वितीय भी कहते हैं, जो कि मतलब मैंने आपको बताया था ना कि वो बाकी सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं था, लड़ाई वड़ाई में नहीं था, वो इंटरेस्टेड था आर्ट और आर्किटेक्चर में, इसने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाए, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है कैलाश टेम्पल। तो आप तो रट लो कि कैलाश टेम्पल टेम्पल जहाँ आएगा वहाँ राजसिम्हा लगाओगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। ये कहाँ पे है, कांची में। इसके अलावा इसने सोर टेम्पल बनाया था कहाँ पे, ममलापुरम में। ठीक है, तो ये सब याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, लास्ट स्टेज जो था पल्लव आर्ट का, उसमें स्ट्रक्चरल टेम्पल ही बनते थे, लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स थे वो लेटर पल्लवों ने बनाया था। इसका एग्जाम्पल हमने देखने को मिलता है बाईकुंड पेरुमल में, जो टेम्पल है उसमें मुक्तेश्वरा टेम्पल, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मता गणेश्वरा टेम्पल कांचीपुरम में ही है। ये सब जो सबसे लास्ट स्टेज है पल्लव आर्ट का, उसमें ये सब स्ट्रक्चरल टेम्पल्स ही बनाए गए थे। स्ट्रक्चरल मतलब कि पहाड़ को काट के नहीं, स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, इसके अलावा ओपन आर्ट गैलरी ममलापुरम की बहुत फेमस है, स्कल्पचरल ब्यूटी जो है इस पीरियड की काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। डिसेंट ऑफ गंग एंड जो इसमें स्ट्रक्चरल स्कल्पचर वाली जो ब्यूटी है, एक पार्टिकुलर मैं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगा, उसमें एक जगह पत्थर को काट के ऐसा बनाया गया जैसे दिखता है कि गंगा ऊपर से बह रही है। कुछ लोग मानते हैं कि वही पिक्चर को अर्जुन को के पेनांस के तौर में दिखाया गया है। इसके अलावा प्रेस्को पेंटिंग ऑन स्टोन बहुत ही फेमस था इस दौरान में। प्रेस्को पेंटिंग की खास बात ये थी कि उस समय की गई पेंटिंगों में के रंग में अभी भी अंतर नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइन आर्ट्स की बात करते हैं। फाइन आर्ट्स में म्यूजिक, डांस, पेंटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया इस पीरियड में। ममंदपुर इंस्क्रिप्शन जो था इसमें जो है एक नोट, पर्टिकुलर गाने से रिलेटेड जो नोट होता है ना, सारे का मा पता नहीं सा, उस टाइप का एक नोट और नोटेशन और ऑफ वोकल कोड म्यूजिक देखने को मिलता है कहाँ पे, ममंदूर इंक्रिप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुदुमियान मलाई इंक्रिप्शन जो है, इट रेफर टू म्यूजिकल नोट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू अलवर्स एंड नयानर्स। ठीक है, सितान वसाल पेंटिंग बिलोंग टू दिस पीरियड, एक ये पेंटिंग है काफी फेमस है, सितान वसाल पेंटिंग। ठीक है, हो सकता है आपने नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिलेंगी आपको, बिकॉज ये तमिलनाडु हिस्ट्री है, उस एरिया को ज़्यादा फोकस किया गया, इसलिए इससे भी जो सवाल आते हैं वो भी आप कवर कर सकते हो, मैं सारी चीज़ों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा कंटेम्प्रेरी जो थे, कंटेम्प्रेरी कॉल्ड दक्षिण चित्रवाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महेंद्र वर्मन वन, इसी समकालीन में एक पर्टिकुलर दक्षिण चित्र जो कि चित्रकला से ही रिलेटेड था, उसका कंपाइलेशन हुआ महेंद्र वर्मन वन के दौरान। हु हैड द टाइटल ऑफ चित्र
चित्रकरापुली, चित्रकरापुली का जब टाइटल सुनना ना, तो वहाँ पे महेंद्र वर्मन वन का आंसर ढूंढ के टक से मार देना, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेसन में इतना ही था, ठीक है? अगले में हम पढ़ेंगे साउथ इंडियन किंगडम, जिसमें चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आ रही हैं क्लासेस, आ रही हैं तो यार लाइक करो इसे, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपका भी फ़ायदा है और आप जुड़ोगे तो मेरा भी फ़ायदा है ऑब्वियसली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।